सो हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम ऐप को यूज़ करके और भी बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस, अगर आप लोग भी इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात के बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग इस ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने जिस भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को आप लोग ऐसे सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करके आप लोग इस ऐड का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लें। तो अभी गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है लाइटरूम पर, यानी हमारा फोटो अभी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। और फोटो ऐड होने के बाद आप लोग इस ऑल फोटोज का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग अपना जिस भी फोटो के ऊपर ऐड किया हो उस फोटो का भी आप लोगों को ओपन कर लेने। तो चलिए हम इस फोटो का भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो भी लाइट मैप के अंदर ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिटिंग के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे चले जाने इफेक्ट का टूल में, तो ये रहा इफेक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी को आप लोग इंक्रीज करके +20 तक रख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका डीएज को भी आप लोग को हल्का से इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 16 तक रख लीजिएगा। और यहाँ पर इसका विग्नेटिव आप लोग को मिल जाएगा, तो इसे आप लोग यहाँ पर माइनस करें, ठीक है। तो यहाँ पर विग्नेटिव को आप लोगों को माइनस करके -50 के आसपास रख लेने, ठीक है। तो यहाँ पर हम 49 रख लेते हैं, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट को भी आप लोगों को कम कर लेने थोड़ा सा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट को आप लोगों को 8 के आसपास रख लेने, और यहाँ पर आप लोगों को फेदर मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका फेदर को आप लोगों को इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 90 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को चले जाने कलर्स का ऑप्शन में, तो ये रहा गाइस कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करने, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप लोग +10 के आसपास रख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका टिंट आप लोगों को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका टिंट को भी आप लोगों को हल्का से इंक्रीज कर लेने, तो इसे आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 13 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर इसका वाइब्रेंस को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है। तो वाइब्रेंस को इंक्रीज करके आप लोग +22 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोग को चले जाने मिक्स टूल का ऑप्शन में, तो ये रहा मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करने, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले रेड कलर सिलेक्ट हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर रेड कलर का लूमिनस को आप लोग को हल्का से इंक्रीज करें, ठीक है। तो इसे आप लोग इंक्रीज करके +19 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग को अपना स्किन टोन के यहाँ पर सही करने, तो उसके लिए गाइस अभी आप लोग को चले जाना ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज कलर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करें, ठीक है। तो सैचुरेशन को माइनस करके आप लोग -23 के आसपास रख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका लुमिनस को आप लोग इंक्रीज करने, तो यहाँ पर गाइस लुमिनस आप लोग उतना ही इंक्रीज कीजिएगा जितना भी आप लोग अपना स्किन के ऊपर ब्राइटनेस चाहते हो। तो यहाँ पर लुमिनस को हमें भी इंक्रीज करके +38 के आसपास रख लेते हैं। और इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोगों को चले जाने येलो कलर में, और येलो कलर में जाके या फिर उसका ह्यू को आप लोग को फुली डिक्रीज करके -100 करने, और सैचुरेशन को भी फुली डिक्रीज करके -100 करने, और उसके बाद आप लोगों को चले जाने ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर में जाके यहाँ पर भी आप लोगों को यही करने, ह्यू को भी डिक्रीज करके -100 करने, और सैचुरेशन को भी डिक्रीज करके -100 करने। और इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोगों को चले जाने ब्लू कलर में, ब्लू कलर में जाके यहाँ पर आप लोगों को बस सैचुरेशन को ही डिक्रीज करके -100 करने। देन इतना हो जाने के बाद यहाँ सब लोगों को और कुछ नहीं करने, इधर सब लोगों सिंपल से डैन कर लेने, और डैन करने के बाद गाइस आप लोग अभी चले जाने कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में, तो ये रहा गाइस कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सेकंड नंबर में मिड टोन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते मिड टोन्स का ऑप्शन, तो इसी ऑप्शन पर आप लोग चलाने सेकंड नंबर में आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस एरा का ऑप्शन पर क्लिक करने, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को इंक्रीज करने, तो ह्यू को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 231 के आसपास रख लेने, और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोग को हल्का से इंक्रीज कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेशन को आप लोग इंक्रीज करके +48 के आसपास रख लीजिएगा, और उसके बाद गाइस अभी आप लोगों को चले जाना हाईलाइट स्टोन में, तो हाईलाइट स्टोन आप लोगों के यहाँ पर थर्ड नंबर पर मिल जाएगा, तो आप लोग उधर पर चला जाना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट स्टोन। और हाईलाइट स्टोन में आने के बाद गाइस यहाँ पर भी आप लोगों को ह्यू को इंक्रीज करने, तो इसका ह्यू को आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 236 के आसपास रख लीजिएगा, और आप इसके सैचुरेशन को भी आप लोगों को हल्के से इंक्रीज कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सैचुरेशन को आप लोग +33 के आसपास रख लीजिएगा। देन गाइस अभी आप लोग कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्वाइप करने, और स्वाइप करके गाइस यहाँ पर आप लोगों को ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग का अमाउंट आप लोग को 60 के आसपास रख लेने, और यहाँ पर इसका बैलेंस आप लोगों को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका बैलेंस को भी आप लोगों को हल्का से इंक्रीज कर लें, ठीक है। तो बैलेंस को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 68 के आसपास रख लेने,
और उसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपल से डन करने। और डन करने के बाद गाइस अभी आप लोगों को चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में, तो ये रहा डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज करने ताकि फोटो के ऊपर शाइन आ सके, तो इसे आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 38 के आसपास रख लीजिएगा। और आप इसका नॉइस रोटेशन को भी आप लोग इंक्रीज करने ताकि आप लोगों का जो फोटो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे आप लोग 33 रख लीजिएगा। और आप इसका कलर नॉइस रोटेशन को भी आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेने, तो इसे आप लोग 42 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में अपना फोटो के ऊपर लाइट्स का एडजस्टमेंट करने, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले हाइलाइट्स को थोड़ा सा माइनस करें, ठीक है। तो हाइलाइट्स को माइनस करके यहाँ पर आप लोग -77 के आसपास रख लीजिएगा। और अब इसका शेडो आप लोगों को मिल जाएगा, तो अब इसका शेडो का आप लोग इंक्रीज करें, ठीक है। तो शेडो को इंक्रीज करके आप लोग यहाँ पर +49 के आसपास रख लीजिएगा। और अब इसका व्हाइट्स का आप लोगों को माइनस करने, तो यहाँ पर व्हाइट्स को माइनस करके आप लोग -54 के आसपास रख लीजिएगा। और अब इसका ब्लैक्स को भी आप लोगों को हल्का सा माइनस कर लें, ठीक है। तो ब्लैक्स को माइनस करके आप लोग -21 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना काम हो जाने के बाद आप लोग और कुछ नहीं करने, इधर पर आप लोग का जो फोटो है वो यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। हमारे मॉडल का फोटो का आप लोग देख ही सकते हो, एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ फोटो का, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग भी अपना फोटो की एडिटिंग कर सकते हो। और फोटो एडिटिंग हो जाने के बाद आप लोगों को फोटो को सेव करने के लिए सिंपली ऊपर शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करके आप लोग सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेने। और एक बात गाइस, इस फोटो एडिटिंग और प्रीसेट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वैसे फोटो का प्रीसेट को डाउनलोड करके फोटो का अपना वन क्लिक में भी एडिटिंग कर सकते हो।